तिनसुकिया के ऐतिहासिक देवी पोखरी में एक पुरानी समस्या को हल करते हुए राज्य के श्रम एवं जन कल्याण मंत्री तथा तिनसुकिया के विधायक संजय किसान द्वारा सन 2018-19 के अनटाइट फंड के 5 लाख रुपयों से स्नानघर एवं शौचालय का निर्माण कराया गया है। आज श्रम एवं जन कल्याण मंत्री संजय किसान द्वारा इसका शुभ उद्घाटन किया गया। इस मौके पर भाजपा के वरिष्ठ नेता शिवजी दुबे, समाज सेवक महावीर शर्मा, कौशलेंद्र सिंह, नेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पूर्व अध्यक्ष हीरालाल शर्मा के अलावे अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। फोन नहीं किया हीरा भाई, जो हीरा भाई का काम है। ये देवी पोखरी एक पुरानी ऐतिहासिक पोखरी, यहाँ हजार हजार भक्त बिंदुए यहाँ पूजा अर्चना करे। खूब सुंदर भावे यहाँ दुर्गा पूजार आयोजन है और विशेष भावे छठ पूजा विशेष भावे यहाँ आयोजन है। यहाँ हजार हजार धर्मप्राण व्यक्ति यहाँ छठ माता पूजन करे और लगते मकर संक्रांति जेतिया होय तेतिया केवल भारतवर्षरे नहय भारतवर्षर बाहिरर पर भक्तगण यहाँ आहे। यार परा तेओलोके एक निखा थाकि पेलाय यार परा पवित्र परशुराम कुंडलै तेओलोके जाय। परशुराम कुंडर पर आको आहि पेलाय यात एक निखा थाके पंडित सकल आहे आरु जार कारणे आजि आमि यात एटा लेटिंगर व्यवस्था करिछु और बहुत कमे यात करिबलगिया आछे। यात आमि इतिमध्ये आमार यात एटा डांगरके मानु थाकिबो पराके एटा डांगर आमि हल घर बा बनाबर कारणे आमि इतिमध्ये सिद्धान्त ग्रहण करिछु। आसाम दर्शनर आधारत प्राय 50 लाख टका इतिमध्ये आमि अखम सरकारले आमि आवेदन करिछु और इतिमध्ये सरकारे एटु विवेचना करिछे और खूब सोनकाले आमि एटा आटक दुनिया एटा गृह यात निर्माण करिम जाते दूर दूरणिर पुरा भक्तगण आहिले इयात जाते सुंदर भावे थका मेलार व्यवस्था करा हय करिबो पारु आमि तेओलोकर कारणे। तार कारणे आमि इतिमध्ये चिंता विवेचना करिछु और मय एई समितिर समूह विषयबर्ग सकलक অশেষ ধন্যবাদ জানাইছো যে তেখেতসকলৰ অপৰাণ চেষ্টাৰ বলতেই সুন্দৰভাৱে এই পবিত্ৰ স্থানটো তেওঁলোকে সুন্দৰভাৱে ৰাখিছে। আমি জানো সকলোৱে যে সমাজখন সঠিকভাৱে আগুৱাই লৈ যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত বা আমাৰ বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ সমন্বয়ৰ ক্ষেত্ৰত এনেধৰণৰ পবিত্ৰ অনুষ্ঠানবিলাকে এক গধুৰ দায়িত্ব পালন কৰিছে। ইয়াত বিভিন্ন ভাষা ভাষীৰ লোক বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ লোক আমি একত্ৰিত হৈ সকলোৰে শান্তিৰ বাবে ইয়াত যেতিয়া আমি ভগৱানৰ ওচৰত এককভাৱে প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ তো তাতেই সমন্বয়ৰ সৃষ্টি হয় আৰু সমন্বয়ৰ জৰিয়তে আচলতে আমি অসমখনক আমি শক্তিশালী কৰিব লাগিব। সমন্বয়ৰ জৰিয়তে আমি ভাৰতবৰ্ষখনক শক্তিশালী কৰিব লাগিব। তো গতিকে এই দেৱী পুখুৰীত এক বিশেষ ভূমিকা আছে আমাৰ সমন্বয়ৰ যোগেদি আমাৰ অসম তথা ভাৰতবৰ্ষখনক শক্তিশালী কৰাৰ ক্ষেত্ৰত। ধন্যবাদ।